स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। जो नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर। काशीपुर एसपी कार्यालय का हुआ स्थानांतरण। जी आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्थानांतरण डिजाइन सेंटर में कर दिया गया है। दरअसल एसपी कार्यालय की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग का कार्य होने के चलते ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय को डिजाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। अब नजर डालते हैं दिनभर के अन्य खबरों पर। विधायक कार्यालय में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। काशीपुर में हुआ निशान यात्रा का आयोजन। पुलिस ने किया वारंटी को गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। आज काशीपुर विधायक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई। वहीं उन्होंने इसका एक प्रमुख कारण पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा झुकाव भी बताया। और अगर महिलाओं को कहीं और सदस्यता अभियान सरकार की तरफ से बड़ा फर्क है, इससे भाई बहन वो सन 70 से प्रस्ताव लगातार आता रहा, अगर महिलाओं को कहीं सम्मान अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। और मैं एक दूसरी बात कह देना चाहता हूँ, आज जो इतना बड़ा आंदोलन, देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली सेफ्टी ऑफ वुमेन की ऊपर है कि आजकल इस तरह की बातें हो रही हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पेरेंटिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ, बच्चों के साथ एज फैमिली, या सुबह का नाश्ता या शाम का खाना एक साथ खाएं, ताकि कोई भी बच्चे की अबनॉर्मैलिटी है, वो बिहेवियर कुछ इस तरह का है, तो वो नोटिस में आए और उसको जो है करेक्ट किया जाए। और दूसरा जो मोदी जी की जो नॉवल आई थी मोदी एट द रेट ऑफ 24, उसमें मोदी जी ने बड़ा क्लियर किया है कि हम लोग सिर्फ अपनी बेटियों को चेक करते हैं, कितने बजे जा रही हो, कितने बजे आओगी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ये चेक हम अपने बच्चों पर नहीं, बेटों के ऊपर नहीं कर सकते। तो ये चेक दोनों पे लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लड़के इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी उतने उसी तरह की उनकी भी अपब्रिंगिंग है, ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ये आगे ना बढ़े और एक अच्छा एक सोशल सिस्टम। काशीपुर में श्रद्धालुओं द्वारा निशान यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें आज रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में बाबा खाटू श्याम का दरबार लगने जा रहा है, जिसके चलते भक्तों ने चीमा चौराहे से होते हुए रामलीला ग्राउंड तक निशान यात्रा निकाली। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लीजिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में ऑपरेशन प्रहार तथा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत वारंटियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीला न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।